राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं स्कंद पुराण में वैशाख मास महात्म्य के छठवें अध्याय की कथा, जो है भगवत कथा के श्रवण और कीर्तन का महत्व तथा वैशाख मास के धर्मों के अनुष्ठान से राजा पुरियशा का संकट से उद्धार। तो चलिए शुरू करते हैं। शुद्धदेव बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के दो शिष्य रहते थे, जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा से रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते थे और पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम सत्यनिष्ठ था और दूसरे का तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता ना होता, तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर वे भगवत कथा सुनाते, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों को समेट कर श्रवण में तत्पर हो जाते और उस कथा को सुनने लगते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते रहते थे और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती थी, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती थी और भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती थी और उनके प्रति गाढ़ अनुराग होता था। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता था। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और मनन, ये वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा ना होती हो और जहाँ साधु पुरुष ना रहते हो, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों ना हो, निसंदेह त्याग देने योग्य होता है। जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं है। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ता था। अंत तो गत्वा कथा परायण सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथ में होती है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरियशा नाम का एक राजा था, जो पुण्यशील और बुद्धिमान था। पिता के मरने के बाद पुरियशा राज सिंहासन पर बैठे और वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि अनेक गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरियशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदनंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखिनी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी यह अवस्था क्या हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार ब्राह्मणों का सेवक, धर्म परायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्री भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है, किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फल स्वरूप मुझे ये वनवास मिला।
इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर के राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहाँ पर आ गए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठ खड़े हुए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रख कर के प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, हे विप्रवरो, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ, मुझे किस कर्म से ये दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई, किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा। मेरे ना कोई पुत्र है, ना भाई है और ना हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में ये बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया, ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न हो गए और फिर बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह का तुमने सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जीवा किसी प्रकार भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारु चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सह्य पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहाँ सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसा परायण। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बहुत कष्ट दिया करते थे। बड़े भारी शट थे। इस प्रकार अपने हित को ना जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों का वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान ना देने के कारण तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दुसह वनवास मिला है। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असह्य दुख मिल रहा है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में एक इसी पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन, धन्यादि, संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्रीहरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो, इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यूं कहकर राजा की अनुमति लेकर उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनके उपदेश पाकर महाराज पुरुयशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ और उसमें महारथी पुरुयशा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुँचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य से सब राजा मनोरथ हो पुरुयशा को
कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक क्षत्र राज्य हुआ और गुरुता उदारता आदि गुणों से युक्त उनके पांच पुत्र हुए जो धृष्ट कीर्ति, धृष्ट केतु, धृष्ट द्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर के भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तो ये थी अध्याय 6 की कथा। नमो नारायण।